बैंक खाते से रुपए गायब होने की जानकारी होने पर पीड़ित बुजुर्ग महिला ने जब बैंक मैनेजर से बात की, उसके द्वारा उसे संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर 73 वर्षीय बुजुर्ग माया देवी सिंघल ने बैंक कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई। 7 लाख का चेक था, वो मैंने इसमें लगाया, मैंने भी नहीं लगाया, लगवाया मतलब बैंक में, फिर उसमें से मेरे 20,000 रुपए एंट्री कराने लिए आई, उसमें से निकल गई। 16 तारीख में एंट्री कराइए, 18 में कराइए, 16 में निकल गए हैं, 16 में जमा हुए हैं चेक, 18 में जमा, 16 में जमा है। हाँ, आपकी बिगर परमिशन के पैसे निकल गए। हाँ, बिना कहे सुने बिना पूछे ताकि कोई सुना नहीं था, नहीं कोई नहीं, आपको पता कैसे करी? कितनी बार हो चुका है एंट्री कराने के लिए आए थे, मैंने वो चेक के पैसे आए होंगे, इस वजह से उन्हें देख तो आओ कितने आए। हाँ, बैंक वाले तो ये कह रहे हैं आपके आए, आपके 20,000 रुपए निकल गए, तो मैंने तीसरे दिन फिर वापस करके भेज दिए, खाते में तो आ गए, मगर ये है बिना पूछे ताकि आज 20,000 निकले हैं, कल वो इनों को भी निकाल लेगा। मेरा नाम राजू भाई है, राजू सिंघल। ये मेरी माता जी का यहाँ पर अकाउंट है, तो अभी हमने एक मकान बेचा था, तो उसमें इन्होंने उनको मतलब 7 लाख रुपए का चेक मिला था, चेक को हमने इस बैंक में लगा दिया था, तो उसके 2-3 दिन बाद जब हम उसकी एंट्री कराने मेरे पिताजी यहाँ पर आए, तो उसमें से 20,000 रुपये कम निकले। इस मामले में जब मैनेजर साहब से बात किया, तो मैनेजर साहब ने बोला कि आपकी पत्नी आई और वो पैसा निकाल ले गई। जब मम्मी से बात की गई, तो मम्मी ने बोला कि मैं तो बैंक गई ही नहीं हूँ, ना मैंने किसी का सिग्नेचर किया, तो पैसा निकला कैसे? मैनेजर साहब ने कोई हमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया, आज भी वो हमको गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बोले कि वो मैंने तो वो लड़का आया था, वो कह रहा था कि आपका नाती है, इसलिए मैंने निकाल के दे दिया। मैंने कहा आप ऐसे कैसे निकाल के दे सकते हो बिना किसी परमिशन के, अकाउंट होल्डर के, लेकिन उन्होंने वो पैसा निकाला। अभी वो बात ठीक है सर, जो भी है वो उन्होंने पैसा रिफंड तो करा दिया मेरा, लेकिन अभी मेरा जो बाकी का पैसा पड़ा है उसकी सिक्योरिटी कैसे मानूं मैं? कल को ये मैनेजर जो है स्वाद को भी, उनको पैसे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के लिए? बैंक के थ्रू किया इन्होंने, किसके लिए किया ये हमें नहीं मालूम है, नहीं हमें नहीं मालूम है। मैं धर्मेंद्र धागड़, पूर्व महानगर अध्यक्ष योगित ब्रिगेड आगरा। देखिए आज एक मामला संज्ञान में आया था, मेरा निवास क्षेत्र भी यही है अलवतिया सैनिक नगर में ही, और यही हमारी चौकी लगती है अवधपुरी, यहीं पर ये आर्यवर्त बैंक है। इसकी एक सूचना थी कि एक बुजुर्ग महिला है जिनकी उम्र कम से कम 70 से 75 साल है, उनका नाम माया देवी सिंघल है, उन्होंने अपना मकान बेचा है अभी, और उनके मकान के पैसे करीब 7 लाख रुपये करीब उनके अकाउंट में आए थे, और उन 7 लाख रुपयों में से 20,000 रुपये बिना उनके NEFT करे, बिगर उनके साइन करे, बिगर उनके चेक दिए, बिगर उनके ब्रांच में आए, बिगर उनके ड्राफ्ट भरे हुए, और ना कोई सिग्नेचर, ना कोई अंगूठा, ना ही उन्हें कोई सूचना, और बिगर उनको सूचना दिए हुए 20,000 रुपये उनके अकाउंट में से ब्रांच मैनेजर ने किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब 2-3 दिन बाद में उनके पति ब्रांच में आए एंट्री कराने पासबुक में, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी हुई, उन्होंने मैनेजर से उसके बारे में सवाल पूछा कि इसमें से 20,000 रुपये हमारे कट रहे हैं, ये पैसे कहाँ गए, किसके में गए, तो ब्रांच मैनेजर उनको ठीक से जवाब नहीं दे पाए। उसके बारे में भी उन्होंने खूब बात की, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उनसे ये कह दिया गया कि आपकी पत्नी आकर के ब्रांच में से पैसे लेके गई है, जबकि उनकी आने की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अकेली आकर ब्रांच से पैसे ले जाए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है और 70 से 75 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, और वो बेगर अपने पति और बेटा के कहीं जाती आती नहीं है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। और जब फिर दोबारा बैंक मैनेजर से पूछा गया, तो मैनेजर द्वारा कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसकी आज उन लोगों ने चौकी अवधपुरी में तहरीर दी है मैनेजर के खिलाफ, और चौकी अवधपुरी में तहरीर दी गई है। वही हमारा दरोगा जी से और थाना जगदीशपुरा से अनुरोध है कि गरीब के साथ में न्याय किया जाए और इस केस की निष्पक्ष जाँच की जाए। इस ब्रांच के अंदर न जाने कितने गरीब बुजुर्ग महिलाओं और नयाने कितने अनपढ़ लोगों के खातों में से नयाने कितनी रकम अब तक निकाली गई होगी, क्योंकि ऐसा ही जस्ट मुद्दा अभी कुछ दिन पहले ही SBI की एक ब्रांच थी अलवतिया में ही, उसमें से करोड़ों रुपया उसका ब्रांच मैनेजर लेके भाग गया गरीबों का, उसका आज तक कोई अता पता नहीं चला, वो गरीब बेचारे मर गए, और वही हाल आज इस आर्यवर्त बैंक के अंदर हुआ है। DG महाराजा न्यूज के लिए साजिद की रिपोर्ट।